हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर प्रेम खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। आज का भी हमारा वीडियो प्री मैच्योर शिशु से संबंधित है। इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि प्री मैच्योर शिशु के नैसे छुट्टी जाने के बाद घर में जाके कैसी देखभाल करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखने का है। पहली बार अपने प्री मैच्योर शिशु को घर ले जाना माता पिता के लिए बहुत ही सुखद एंड भावनात्मक अनुभव होता है। साथ में डर भी लगा रहता है कि घर में जाके शिशु कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपको तीन बातों का बिल्कुल ध्यान रखने का है। अगर आपका शिशु डिस्चार्ज के लिए पूरी तरीके से फिट है, आपने एनआईसी में जाके पूरी ट्रेनिंग कर ली है कि कैसे फीडिंग कराना है, कैसे देखभाल करनी, किन बातों का ध्यान रखना, और अगर आपने घर में जाके पूरी तरीके से दूसरी जगह तैयारी कर ली हो तो साधारणतः घर में जाके कोई दिक्कतें नहीं आती है। हमारा जो पिछला वीडियो था कि प्री मैच्योर शिशु की एनआईसी से कब छुट्टी हो सकती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो को आप देख सकते, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। शुरुआत में आपको जरूर दिक्कतें जाएगी, बट लगातार प्रेशर और धैर्य से आप शिशु की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएगी और उसकी बेहतर ढंग से केयर कर पाएगी। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि घर में जाके कैसे देखभाल करनी और किन बातों का ध्यान रखने का है। आपको 10 बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अपनी दिनचर्या को शिशु की दिनचर्या के हिसाब से ढालना है और शांत वातावरण बना के रखने का है। दैनिक दिनचर्या का पालन माता पिता और शिशु दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शुरुआत में आपकी जो है दिन में आपकी पुरानी दिनचर्या छूट जाती है, आपको शिशु की दिनचर्या के हिसाब से अपने आप को ढालना जरूरी होता है। साथ में क्या होता है, शुरुआत में जो है शिशु को जो है पोषण देते समय, उसकी देखभाल करते समय दिक्कतें आती हैं, वातावरण में तनाव बना रहता है। ऐसे तनाव में शिशु अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस करता है, तो बिल्कुल शांत वातावरण बना के रखने का है। यहाँ पर शिशु की केयर करने के लिए आपको बहुत ही एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसी कंडीशन में आपको यह भी ध्यान रखना कि आपको किसी एक सहायक, एक सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इसका भी इंतजाम आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए। नंबर 2, शिशु के जो है फीडिंग की तरफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने का है, क्योंकि जो प्री मैच शिशु की जो घर में जाके जो ग्रोथ होगी, उसका जो वेट बढ़ेगा, वो पूरा उसके हम उसको कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसके ऊपर ही निर्भर है। बहुत से माता पिता इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। शिशु के पोषण के लिए हमें 4 बातों का बिल्कुल ध्यान रखने का है। सबसे पहला जो है मेथड ऑफ फीडिंग, हम जो जिस मेथड से फीडिंग करा रहे हो शिशु के लिए एडिक्वेट है कि नहीं, उस मेथड से बराबर फीडिंग ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। दूसरा, शेड्यूल ऑफ फीडिंग, प्री मैच्योर शिशु को आपको कम से कम दिन में 10 से 12 बार फीडिंग कराना है। तीसरा जो है क्वांटिटी ऑफ फीडिंग अर्थात वॉल्यूम ऑफ फीडिंग, बराबर मात्रा में उसको दूध देने का है। और चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखने का है कि फीडिंग देने के बाद शिशु का बराबर वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसा आपको जो है ना इसमें समझाया गया था कि कैसे घर में जाके फीडिंग कराना, वैसे ही फीडिंग कराना, इस बात का पूरा ध्यान रखने का है। यहाँ पर देखने में आया कि बहुत सारे माता पिता 2-3 गलतियाँ कर बैठते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शिशु माँ का दूध पीने में सक्षम नहीं है, तब भी घर में जाके जो है माता जो सब चीज़ छोड़ देती है और शिशु को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहती है। काफ़ी बार शिशु ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से लैच नहीं कर पाता, अच्छे से सक नहीं कर पाता, और उसका परिणाम क्या होता है कि शिशु को बराबर क्वांटिटी में दूध नहीं मिल पाता और उसका वेट लॉस हो जाता है, दूसरे कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। दूसरा, हमें यह भी देखने में आया कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मदर का ब्रेस्ट मिल्क जो है बराबर क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, तब भी जो है मदर जो है उस शिशु को ऊपर का दूध पिलाने में हिचकिचाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बराबर क्वांटिटी में दूध नहीं पिला तो शिशु का फिर से वेट लॉस हो जाएगा। इन 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखने का है। अगर आपका शिशु ब्रेस्ट फीडिंग करने में सक्षम है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने में सक्षम नहीं तो आप अपना दूध निकाल के पिला सकते हो, और अगर आपका दूध सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं आ रहा तो आप प्रीटर्म फार्मूला में भी पिला सकते हो। हमारा जो पिछला वीडियो था कि शिशु को घर में जाके कैसे फीडिंग कराना है, इसमें हमने पूरी जानकारी दी। अगर आपको फीडिंग से कोई समस्या है तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। जिसका जो है शिशु का तापमान नियंत्रित करके रखने का है, क्योंकि प्री मैच्योर शिशु का बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वातावरण में टेम्परेचर में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो शिशु के साथ तालमेल बिठाने में जो है दिक्कतें आती हैं। इसके लिए अपने को कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने का है। रूम का टेम्परेचर 24-28 डिग्री होना चाहिए, कहीं से भी हवा का झोंका एकदम शिशु के ऊपर नहीं आना चाहिए। शिशु को जो है ठंडी के दिनों में जो है गर्म कपड़े पहना के रखिए, साथ में जो है सर जो है पूरा कैप से कवर करके रखिए, और हाथ और पैर के जो तलवे उसको भी अच्छे से आप कवर करके रखिएगा। गर्मी के दिनों में आपको गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती, सिंपल कॉटन के कपड़े पहना के रख सकते हैं। आप कैसे समझेंगे कि शिशु का तापमान आप मेंटेन करके रख पा रहे हो? अगर शिशु के जो है हाथों के जो तलवे जो है हाथ और पैर के तलवे हैं गुलाबी हैं और गर्म है, तो समझेंगे आप अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर हाथ और पैर के तलवे ठंडे हैं, नीले दिखते हैं, तो समझना कि शिशु को और भी कपड़ों की जरूरत है। आप कैसे समझेंगे, शिशु को आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के रखे हुए हैं। अगर आप शिशु का चेस्ट ओपन करते हो बहुत ही रेड दिखता है और बहुत ही गर्म लगता है, तो समझेंगे बहुत ज़्यादा कपड़े पहना करके ऐसे कंडीशन में आप एक कपड़ों की लेयर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बाथ, नहलाना कैसे प्रीमैच्योर शिशु को। तो जनरली हम लोग प्रीमैच्योर शिशु को स्पॉन्जिंग बाथ करते हैं। स्पॉन्जिंग बाथ का अर्थ होता है
शिशु को जो है अच्छे एब्जॉर्बर पैड से पूरे शरीर को पोंछ के निकालने का। जनरली टब बाथ जो है 2.5 किलो के ऊपर करना चाहिए। ये प्री मैच शिशु का वजन कम होता है, बहुत ही स्लिपरी होते हैं, वैसे कंडीशन में जो स्पॉन्जिंग बाथ कराना जो है बेटर रहता है। स्पॉन्जिंग बाथ करते समय आप ये ध्यान रखिए, वातावरण जो है बिल्कुल रूम का टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए, कहीं से भी हवा का झोंका ना आए। आप पूरी अपनी तैयारी कर लिए, आसपास जितनी भी जरूरत की चीज़ों को अपने पास रख लीजिएगा, साथ में गर्म टॉवल आप जरूर रखिएगा। शरीर शिशु का जो स्पॉन्जिंग करते समय कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने का, कुछ कुछ जो स्पेशल जो एरिया होते हैं, स्पेशली गले का नीचे का एरिया, कान के पीछे का एरिया, आर्म पिट जो जेनिटल जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है, इसको आपको अच्छे से क्लीन करने का, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको स्पॉन्जिंग बाथ जल्दी जल्दी कराना है, बहुत देर तक शिशु को ओपन करके रखने का है। जैसे ही आप स्पॉन्जिंग बाथ करा लेते हैं, उसके बाद उसको गर्म टॉवल में आप उसको रैप करके रखिएगा। टब बाथ जनरली हम 2.5 किलो के बाद में कराते हैं, शुरुआत में हम जो हफ्ते में अगर 1 से 2 बार भी कराते तो चलेगा, लेकिन अगर शिशु बहुत ही परस्परेशन आता है, बहुत ही स्पीडिंग दूध निकाल जाता है, ऐसी कंडीशन में रोज भी टब बाथ करा सकते हैं शिशु। पांचवा, प्रीटर्म शिशु को जो है मसाज कराना है आपको। मसाज के बहुत सारे फायदे होते हैं, मसाज से माँ और शिशु के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है, नंबर दो उनकी फीडिंग और स्लीपिंग पैटर्न में अच्छे से इंप्रूवमेंट होता है, और भी जो उसके सेंसेस होते हैं जैसे वे टच हो गया, विजन हो गया, हियरिंग, ये सेंसेस में भी मसाज से अच्छा सा इंप्रूवमेंट होता है। मसाज करते समय आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखने का है। आप एक मसाज जो फिक्स टाइम में करिए, सुबह नहलाने के बाद और रात को सोते समय करिए। मसाज करते समय ध्यान में रखिए कि रूम गर्म होना चाहिए, बहुत देर तक मसाज नहीं कराना चाहिए। मसाज आपको सुपरफिशियल मसाज करने का है, बहुत ही डीप टिश्यू मसाज नहीं करना। डीप टिश्यू मसाज काफ़ी शिशु के लिए बहुत ही पेनफुल होते हैं, और शिशु अगर अनकम्फर्टेबल है, बहुत ही क्राय कर रहा है मसाज के बाद जो है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है मसाज नहीं कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और शुरुआत में आपको 5 से 10 मिनट तक मसाज कराना है, और धीरे धीरे फिर मसाज का टाइम बढ़ाना है। 6, शिशु के जो है सोने की तरफ ध्यान रखने का है। शिशु को जो है अच्छी जो है नींद देना है। शिशु जितना अच्छे सोएगा उसका वेट गेन अच्छे से होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, अपने शिशु की बॉडी वेडिंग हमेशा अपने साइड में रखिए, जिससे आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। शिशु को हमेशा जो है पेट केबल सुलाना है, करवट या पेट केबल नहीं सुलाना है। सर के नीचे कोई पिलो नहीं रखने का है, और जो नीचे के मैट्रेस में कोई भी रबड़ या उलन कपड़े यूज़ करना है, बहुत ही गर्म होते हैं। शिशु को जो है चेस्ट जो है पूरा, कुछ लोग शिशु को पूरे चेस्ट से कवर करके रख देते, अच्छे से टाइट कपड़े पहना के रख देते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना कि टाइट कपड़े ना पहनाएं। शिशु के जो है छाती के ऊपर कोई बहुत ही भारी कंबल नहीं रखने का है, जिससे ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। शिशु का चेहरा जो है हमेशा ओपन रखने का है आपको, और ऐसे कोई भी मैट्रेस यूज़ नहीं करना जिसमें बहुत सारे जो है फैब्रिक्स में जो है केमिकल्स होते हैं या कोई धागा होता है, इसमें शिशु को जो है प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। नंबर 7, प्रीमैच्योर शिशु को आपको इन्फेक्शन से बचाना है। प्रीमैच्योर शिशु की प्रतिकार शक्ति कम होती है, इसलिए इसको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखने का है यहाँ पर। जब भी आप शिशु को जो है फीडिंग कराते हैं और नेवी पैड चेंज करते हैं, उसके पहले अपने अच्छे से हाथ धो लीजिएगा। और घर में अगर कोई भी व्यक्ति शिशु को पकड़ता है तो उसे हाथ धोने के लिए जो है प्रेरित करिए, हाथ धोने के बाद इसको पकड़ने के लिए बताइएगा। नंबर 2, शिशु के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ न लगा के रखिए। काफ़ी बार ऐसा होता है घर में जाके जो लोग कोई भी लोग आते हैं, शिशु का जो है हाथ या फिर जो चीज किस करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखने का है। घर में किसी को भी अगर वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार है, तो इसको बिल्कुल शिशु से दूर रखिए। शिशु को जो है भीड़ भाड़ इलाके में मत ले जाइए, जैसे मॉल वॉल ऐसे इलाके में बिल्कुल ना लेके जाइए। घर में बिल्कुल धुआं रहित वातावरण बना के रखने का है। इस तरीके से आप शिशु को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नंबर 8, घर में जाके आपको है कंगारू मदर केयर जरूर कराना चाहिए। जो KMC आपने NIC में सीखा हुआ है, उसको घर में जाके 25 से 30 मिनट तक जरूर कराइएगा। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। माँ का दूध अच्छे से बढ़ते हैं, शिशु का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होता है, शिशु का वेट गेन अच्छे से होता है, उसको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और मदर और बेबी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो आपको KMC जरूर कराना चाहिए। नंबर 9, शिशु के विजन, उसके दृष्टि की तरफ बिल्कुल ध्यान रखने का है, क्योंकि ये प्रीमैच्योर शिशु की रेटिना पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, इसलिए इनके इलाज की जरूरत रहती है। तो जैसा आपने उसको डॉक्टर ने बताया, उसे फिर रेगुलर आँखों के डॉक्टर से बिल्कुल जांच करानी है, उनके पास बिल्कुल फॉलोअप करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि शिशु बराबर देख रहा है कि नहीं, उसके विजन की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, शिशु के प्रीमैच्योर शिशु के ऐसे गंभीर लक्षण पर ध्यान रखना है जो आपको इंडिकेट करते हैं कि शिशु बीमार है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षणों की तरफ ध्यान रखने का है? शिशु बहुत ज़्यादा सो रहा है या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है? शिशु फीडिंग बराबर लेने, उसके फीडिंग पैटर्न में चेंज हो गया है, शिशु फीडिंग के लिए बराबर उठ नहीं रहा है, बराबर कॉन्टिन्यू फीडिंग नहीं ले रहा है, या फीडिंग बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है, शिशु को जो है सांस बहुत जोर जोर से ले रहा है, या रुक रुक के सांस ले रहा है, या हाथ पैर के तलवे नीले दिख रहे हैं, शिशु जो है लगातार उल्टी कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, पेट में सूजन आ गई है, 4 दिन से मोशन पास नहीं किया है, या 12 घंटे से ऊपर यूरिन पास नहीं किया है,
शिशु के शरीर में कई इन्फेक्शन, स्किन में कई इन्फेक्शन दिखता है, कहीं पर फोड़ा फॉर्मेशन हो गया, अब्सेस फॉर्मेशन हो गया है, या ज्वाइंट्स जो मोमेंट्स कम है, ज्वाइंट मोमेंट करते समय उसको बहुत ही पेन हो रहा है, या फिर शिशु कुछ असामान्य हरकतें कर रहा है, आंख ऐसे ऊपर कर लिया, एक हाथ में अचानक जो एक टाइटनेस आ गया है, अचानक एक हाथ लगातार हिला रहा है, रिस्पॉन्स बराबर दे नहीं रहा है, तो इसे हम फीड्स भी करते हैं। तो ऐसे कोई भी गंभीर लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करने का है। साथ में जो सबसे आखिरी में आपको जो शिशु पर एक डायरी मेंटेन करके रखने का है, उसमें डायरी में आप बिल्कुल सब चीज़ नोट करके रखना कि आपके शिशु के नाइसिस से कब डिस्चार्ज हुई थी, जब लेके आए तब उसका कितना वेट था, डायरी में जरूर मेंटेन करके आप कैसे फीडिंग दे रही, कितनी मात्रा में फीडिंग दे रही है, फीडिंग बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और फिर उसका वेट भी आप हर 5-6 दिन में उसका वेट चेक करते रहिए, उसका वेट गेन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ में आपको शिशु डॉक्टर ने कब जाँचों के लिए कहा, आपको जाँचों के लिए हियरिंग स्क्रीन के लिए कब कहा, वो जाँच बिल्कुल समय में कराने का है। साथ में आपको शिशु के डेवलपमेंट भी डायरी में नोट करके रखने का है, शिशु देख रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रीमैच्योर शिशु की आपने घर में जाके केयर कर सकती है, और इस तरह इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो के थ्रू आप घर में जाकर अच्छे से शिशु की देखभाल कर सकती है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।